श्री आनंदपुर साहिब हल्के तो विधायक ते कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस वालों नंगल विखे लंबे समय तो बन रहे फ्लाईओवर दे उत्तों एक पासे तो आवाजाई 31 जुलाई तक शुरू करने लैके सरगर्मियां तेज कीतियां होईयां ने, जिसके चलदिया उन्हां वालों फ्लाईओवर दे काम की प्रगति का जायजा हर हफ्ते लिया जा रहा है। तो इस दे नाल ही बीते कुछ दिन पहला रेलवे ट्रैक के उत्ते गड रखण का काम भी मुकम्मल कर लिया गया सी। हुण फ्लाईओवर दे शुरुआत दे लागे बने कुष्ट आश्रम दे वसनीकां नूं एमपी दी कोठी उन्हां दे लई बनाई गई नवी थां दे विच शिफ्ट कीता जा रहा है ते उन्हां दे पुराने मकानां नूं उन्हां दी सहमति दे नाल ढाया जा रहा है, तां जो फ्लाईओवर दे शुरुआती रस्ते दा काम जल्द तो जल्द मुकम्मल करके इस तो आवाजाई नूं शुरू कीता जा सके। इस मौके उत्ते स्थानक आप आगू डॉक्टर संजीव गौतम ने दसा कि श्री रामकुष्ट आश्रम दे वासियां नूं नवी थां उत्ते शिफ्ट किया जा रहा है ते उत्थे कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस वालों उन्हां नूं हर बुनियादी सहूलतां मुहैया करवाईयां जाणगियां। काम दे विच आई तेजी दे देखदियां स्थानक लोकां दे विच भी इस फ्लाईओवर दे उत्तों आवाजाई शुरू होण दी उम्मीद बच चुकी है ते इस मौके गलबात करदिआं वख-वख स्थानक वसनीकां ने की कहा आओ सुणदे हां। राह नूं पद्धरा करन दे लई ठेकेदार वालों भी दिन रात काम किया जा रहा है। इस संबंधी गलबात करदिआं ठेकेदार अते स्थानक आप आगू डॉक्टर संजीव गौतम ने की कहा आओ सुणदे हां। नंगल सिटी अपडेट लई अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फ्लाईओवर लैके लगातार तेजी है, किन्ना काम चल रहा है, क्या क्या काम है? बैंस साहब की जी काम करने की शैली है वो मुताबक उन्होंने जो टारगेट रखा सी इस महीने का उन्होंने अचीव करने वास्ते दिन रात काम चल रहा है। जिथे कुष्ट आश्रम के लोग बैठे सी नाल मंदिर से पिछे स्कूल है उन्होंने सारिया की परमिशन के नाल जिन्ना भी है सारा एरिया प्लेन हो जाएगा ते नाल कुछ आश्रम के जेडे सारे लोग सी जी नवी कलोनी है उदे विच इह शिफ्ट हो गए। उन्हां दीआं जिहड़ीआं कोई भी रिक्वायरमेंट होणगीआं वह बैंस साहब अपने मुखारबिन तो आप दसणगे क्या क्या उन्हां वास्ते उन्होंने देना। सो बड़ा दिल है दलेर है उन्होंने यही गल कही कि जो भी इन्हां नूं चाहिए मैं इन्हां वास्ते पुनर्वास वास्ते दूंगा। सो जिहड़े कुछ आश्रम के लोग सी इन्हां ने भी गल मन के साडा साथ दित्ता, उस साथ दे नाल इह पुनर्वास की जगह चले गए ते मशीन जिहड़ी साडियां 24 घंटे वास्ते काम कर रही ने ते लगदा कि 2-3 दिन दे विच इह भी प्लेन कर देंगे। जो ये प्लेन हो जाएगा उस तो बाद जिहड़ा आर बिल्डर को जिहड़ा इन्होंने सब लैटिंग दी हुई है काम करन दी अगली सिंगला कंपनी ने उत्थे काम शुरू कर देंगे। फ्लाईओवर दे उपर तुसीं देखदे हो रूटीन दे विच जिहड़ा मेन सीगा वह भी काम हो चुका है। सो आने वाले समय दे विच बड़ी फास्ट काम चल रहा है। सो लगता कि जल्दी उम्मीद है कि जिहड़ा टारगेट अचीव करना सी बैंस साहब ने वह अचीव कर लेंगे। सो धन्यवाद सर, लोगों का भी धन्यवाद, खासकर साडे कैबिनेट मिनिस्टर हरजोत सिंह बैंस जी का धन्यवाद जिन्होंने अपने बहुत बिजी शड्यूल दे विच भी जिहड़ा पूरा काम खत्म करने वास्ते करा सर। जिहड़ा इत्थे भगवान श्री राम जी का मंदिर सी कुष्ट आश्रम का इन्हां लोगों के राम जी दे नाल बड़ी आसा है, उन्हां तों बगैर नहीं चलते। सो इन्हां दे नवीं जगह मंदिर वास्ते इशू कर दिती गई है, उत्थे इन्हां दा जिहड़ा मिस्त्री है मंदिर बनाउणा वा वह भी इन्हां नूं प्रोवाइड कर दिता गया, प्लेटफार्म भी उत्थे तैयार हो जाएगा। सो जिवें जिवें स्कूल दे पिछों मिट्टी मलबा उठाते जाणगे जदों इत्थे आ जाएगा तां उस तों पहले ही जिहड़ी राम मंदिर दी इत्थे मूर्तियां भगवान राम जी का परिवार है वह सारा उत्थे स्थापित कर दिया जाएगा। नहीं देखो ये जदों ये एक्वायर की सी स्कूल दे विच कीता सीगा। सो स्कूल वास्ते भी ढुकवे प्रयास जिहड़े बैंस साहब वो करनगे जिवें भी लगेगा उन्होंने करनगे, उन्हां दा ही डिपार्टमेंट है। क्या नाम है? रवि गौतम जी। हाँ जी रवि, दस्सो अज जिहड़ा ढा रहे हो रस्ते दे विच आ रही है फ्लाईओवर दा किन्ना काम चल रहा जी? ये फ्लाईओवर वास्ते ही हो रहा जी, स्कूल ना जी फ्लाईओवर विच अड़चन आता सी मंदिर, यानी कि 7-8 दिन विच साडा काम ही कंप्लीट हो जाना, यानी कि ये बाद असी 7-8 दिन बैटरी सवा देना, जल्दी तो जल्दी करी दा काम असी, यानी कि ना जी रात नो भी 10-11 बजे करते हैं। जेहड़ा मंत्री साहब ने टाइम दिता वो तो पहला हो सकता काम जी, असी बड़ी होर कोशिश करिए ठीक है, बाकी ये हो जाना 2-4 दिन बाद क्लीयरेंस मिल जानी सानू इहदी। हाँ दिन रात काम कर रहे? हाँ दिन रात, यानी कि रात ना लेट नाइट देर काम कर रहे जी। इस तो अलावा होर केड़ा काम कर रहे आप? पिल्ले वाले चल रहे हैं, यो भी हो रहा काम जोर नाल, सारे काम चल रहे हैं, जिदा मंत्री साहब ने कहा उसी करके हो रहे उदे काम हो रहे। लोका दी आस है वे हो 31 जुलाई तक हो जाएगा? हां होगा जरूर होना यार, कि जिदा काम हो रहा है ना जी
पक्का चलूगा जी। नाम क्या? बुधिया राम। बुधिया राम जी, बताना ये आश्रम कितना समय से चल रहा है यहाँ? ये तो 50 साल पुराना है मंदिर। हाँ। यहाँ पे हम लोग का 30 परिवार पूरा रहते थे। अच्छा। यहाँ पे फिर यहाँ से हम लोग को वहाँ शिफ्ट करा रहे हैं एमपी कोठी में। एमपी कोठी में। क्या कारण हो गया शिफ्ट करना पड़ा आपको? ये फ्लाईओवर आ रहा है ना, इसी कारण काम कर रहा है। इसी कारण से हम लोग को निकाल रहे हैं, उधर शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो ये जो मंदिर भी आपका पुराना है, उस समय का ही है? हाँ, 50 साल पुराना का है। तो वहाँ जहाँ पे जाओगे आप, वहाँ पे मंदिर बनेगा? हाँ, वहाँ मंदिर भी बनेगा। मंदिर आप सभी लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं भाई? हाँ, अभी तो वहाँ पे सुविधा वगैरह जैसे पानी की है आपको, रहने की कैसे सुविधा? ठीक है, पानी की तो सुविधा है, अभी थोड़ा और भी परेशानी में, मतलब ऐसे खुला है पूरा। हाँ। वो सब देवाल फेवाल लगा, चार दिवाली हुआ नहीं है। बाकी सभी प्रॉब्लम वहाँ पहुँच गया है? हाँ, बाकी तो थोड़ा बहुत हुआ है, अभी प्रॉब्लम बहुत है। अच्छा। अभी कहाँ प्रॉब्लम खत्म होगा पूरा? प्रशासन को बोला है? प्रशासन को तो बोल के रखे हैं। हाँ। और इसको हमारा जो अभी ML उसको भी बोल के बोले हैं, देखो क्या कर रहे हैं लोग। जी सर, की कहना चाहोगे? जरा दस्या जा रहा है लंबे समय तो अड़चन सी पी रेलवे के उपर जो बीम नहीं रखे जा रहे थे, पर अजो मुकम्मल हो गए, की कहना चाहोगे? बड़ी लोगों में खुशी भी देखी जा रही, कितना कितने राहत महसूस कर रहे लोग। बिल्कुल खुशी वाली गल हैगी है जी ये, क्योंकि बड़े चिर का रुकया हुआ जो प्रोजेक्ट है, ये अज हूँ सूँ लगता है कि महीने दो महीने के कामयाब हो जाएगा यह, क्योंकि मेन जी अड़चन सी वो तकरीबन दूर हो गई है। अज रखे गए है, पांच रख हो गए, अगला काम जोड़ा है असी समझते हैं कि नॉर्मल है, वो कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। हुण प्रशासन मोहरे साड़ी एक बेनती हो रहा है कि रेलवे लाइन के परले पासे तो एक रस्ता आता है बरारी तो, उन्हों भी साड़ी रिक्वेस्ट है कि उस रस्ते भी प्रशासन जोड़ा है एक कंपनी वाले ना टेक ओवर करके इस मैटर से और रस्ते भी खुलवा देन, ता कि जी जी महीने दो महीने की होर औकड़ रह गई है, वह औकड़ जी है वह दूर हो जाए। अज का जोड़ा काम होया करके असी प्रशासन को भी धन्यवाद दें, अपनी पंजाब सरकार को भी धन्यवाद दें, पर इस काम को हुण स्लो ना किया जाए, इनू जोड़ा है कंटिन्यू करके जो लोगों की जी समस्या दूर की जाए। धन्यवाद।